प्यारे बच्चों, चलिए आज हम लोग फिर से केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले दिन केमिस्ट्री में पढ़े थे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक क्या होता है, उसका के का इकाई क्या होता है, और उसमें हम लोग अर्ध आयु भी देखे थे। चलिए आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे, वो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया को समझते हैं। तो टॉपिक दिया जाए केमिस्ट्री में प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्यारे छात्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट और टॉपिक्स है। अक्सर यानी कि 90% से 100% ये गारंटी है कि ये सवाल आता ही आता है, लॉन्ग पैक में आता है। आपको प्रूव करने के लिए बोलेगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आप व्यंजक प्राप्त कीजिए, यानी कि फार्मूला को डिराइव कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसको करने का तरीका है, हम लोग यहाँ पे भी तीन चीज निकालने वाले हैं प्यारे दोस्तों। यहाँ पे कौन सा, तो पहले में हम लोग निकालने वाले हैं व्यंजक। तो पहला हम लोग व्यंजक कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले अभिक्रिया समझिए। मान लिया जाए कि ए से बी एक अभिक्रिया है, अपने से कुछ से भी अभिक्रिया मान ले सकते हैं। टी बराबर जीरो पर अगर समय अगर जीरो रहेगा तो ए का सांद्रण कितना, ए, लेकिन प्रतिफल कुछ नहीं बनेगा यानी कि जीरो। यानी कि जब कोई अभिक्रिया स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग में सांद्रण उसका क्या होगा, ए। लेकिन यही अगर समय कुछ बीत जाता है, यानी कि समय टी पर, अगर टी समय के बाद हम देखेंगे कि कुछ अभिकारक में कुछ घट जाता है और प्रतिफल में उतना चीज बन जाता है, तो ए माइनस एक्स, और यहां क्या बनेगा, एक्स बनेगा, क्योंकि यहां वाला जितना घटता है उतना ही प्रतिफल बनता है। तो ये चीज कहां से लिख रहे हैं हम लोग, शून्य कोटि अभिक्रिया में इसको सीखे थे कि आखिर क्या वजह है कि ये a माइनस एक्स और इसको x लिख रहे हैं। तो वहां पे आप सीखे हैं कि यहाँ पे है x, a का मतलब हुआ कुल सांद्रण और a माइनस एक्स का मतलब हुआ कि उतना से अभिकारक का वैल्यू घट जा रहा है और जितना घट रहा है उतना ही बन रहा है, मतलब कि यहाँ x घटा तो x बना। चलिए अब क्या यहाँ पे है, वहां पे भी हम लोग समझे थे कि अभिक्रिया का वेग को dx by dt से सूचित करते हैं, और ये dx by dt जो होता है वो समानुपाती होता है किसके, सांद्रण का। कौन सा सांद्रण, जो कुछ समय के बाद अभिकारक बच रहा है। तो कुछ समय के बाद अभिकारक कितना बच रहा है, तो a माइनस एक। अब पावर में क्या देंगे, चूंकि वहां शून्य कोटि का था तो वहां शून्य दिए थे, यहां प्रथम कोटि का है तो पावर एक देंगे। अब यहां पे आगे चलेंगे तो यहां लिखेंगे dx by dt, और यहां समानुपाती हटेगा तो k आएगा a माइनस एक्स। प्यारे छात्रों, dx by dt बराबर k a माइनस एक्स। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं भाई, तो dx, और चूंकि a माइनस एक्स इधर गुणा में है तो इसको नीचे ला सकते हैं भागा में, यानी कि a माइनस एक्स, और ऊपर k है और फिर dt है। और यहां तक करने के बाद आपको क्या करना है, यहां से आपको समाकलन करना है। तो इसके बाद लिखिएगा कि समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। अब समाकलन का मतलब क्या है, समाकलन का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां बनेगा dx by a माइनस एक्स इज इक्वल टू k dt इंटीग्रेशन। यानी कि यहां तक तो आप समझ पा रहे होंगे कि जब समानुपाती हटा तो k आया, और a माइनस एक्स का पावर वन रहेगा तो इसका मतलब वही ना होगा। अब उसके बाद हम लोग a माइनस एक्स इधर गुना में था तो नीचे ला दिए इसको भागा में, और वो नीचे वाले dt को उधर ले गए तो यहां हो गया k dt। अब यहां पे हम लोग को करना जो है वो समाकलन करना है। अब क्यों समाकलन करना है, इसके पीछे भी लॉजिक है। अब इसलिए समाकलन कर रहे हैं क्योंकि यहां पे x है और यहां पे x है, इसीलिए हम x x को एक तरफ कर लिए, यहां dx था, a माइनस एक्स यहां है तो इसको समाकलन। हालांकि प्यारे छात्रों, अभी हम लोग समाकलन मैथ्स में नहीं सीखे हैं, जिसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, तो इंटीग्रेशन चूंकि अभी हम लोग नहीं सीखे हैं तो हमें प्रॉब्लम हो सकता है। हालांकि अभी आप यहां पे समझिए कि इंटीग्रेशन के रूल से ये बोलता है कि अगर नीचे में कोई x का फंक्शन रहेगा, जैसे मान लिया
dx by x रहेगा तो इसको होता है ln x, इसको क्या होता है ln x। तो यहां हम आप लिख देंगे x रहता तब जाके ln x होता, लेकिन यहां पे क्या है ln a माइनस x, तो a माइनस x लिख देंगे। अब x के आगे क्या है माइनस, तो यहां हो जाता है माइनस। प्यारे छात्रों यहां पे हम लोग एक रूल्स यूज करते हैं, वो रूल्स क्या है कि dx बटा x का जो इंटीग्रेशन होता है वो ln x होता है। हालांकि अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आता है तो ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ये सब जो रूल्स हैं हम लोग इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे। इसका हिंदी होता है समाकलन। तो समाकलन करेंगे तो ln लगाना होता है फार्मूला से, और नीचे जो रहता है उसको लिख दिया जाता है, और यहां माइनस किस लिए, अगर x के आगे प्लस रहता तो प्लस, x के आगे माइनस रहता तो माइनस, तो यहां x के आगे माइनस है तो माइनस लगा दिया। इज इक्वल टू, अब k है तो k कांस्टेंट है तो k को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, और अब क्या बचेगा dt। तो अब यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यहां तक पहले छात्रों नोट कर लेंगे, और इसके आगे हम लोग प्रोसेस को देखते हैं कि आगे का प्रोसेस कैसे है। अभी हम लोग बेस देख ही प्रूफ कर रहे हैं इसके आगे क्या होगा। तो माइनस ln x है तो माइनस ln x रख देंगे, माइनस ln a माइनस x इज इक्वल टू k, और dt का प्यारे छात्रों यहां dx का इंटीग्रेशन होता है x। ये रूल है कि dx रहेगा तो d और इंटीग्रेशन हट जाता है, सिर्फ x लिखते हैं, और dt तो यहां हो जाएगा t, dt का क्या होगा t, और यहां पे अपने से एक कांस्टेंट जोड़ा जाता है कोई भी इंटीग्रेशन में, यानी कि कोई भी इंटीग्रेशन देना रहता है तो यहां c अपने तरफ से जोड़ते हैं, तो इसका हो जाएगा क्या, जब dx का हुआ x प्लस c फार्मूला से तो dt का क्या बनेगा t, और प्लस में क्या c, तो यहां कुल मिलाकर हो जाएगा क्या माइनस ln a माइनस x, k को t से मल्टीप्लाई करेंगे kt प्लस c। अब यहां पे आपको एक चीज और नजर रखना होगा कि जब t बराबर जीरो था, जब t बराबर जीरो तो x का वैल्यू कितना हो रहा था जीरो। अब ये चीज समझ रहे हैं, जरा आप समझिए कि हम लोग अभी इसके पहले रिएक्शन लिखे थे ना कि a से b, t बराबर जीरो पर सिर्फ a था, यानी कि x का वैल्यू कितना था जीरो, a में से जीरो ही ना घट रहा था तो यहां पे जीरो लिख रहे थे, और कुछ समय के बाद t पर a माइनस एक्स लिख रहे थे तो यहां x लिख रहे थे। आखिर यहां जीरो लिखने का वजह क्या था कि जब t बराबर जीरो था तो x यहां के बजाय यहां पे जीरो रह रहा था, तभी ना जीरो मेरा प्रतिफल हो रहा था, यानी कि t बराबर जीरो पर x का वैल्यू कितना होता है जीरो। तो अब यहां पे वैसे ही काम कीजिए, जहां जहां t है वहां रखना है जीरो, जहां जहां x है वहां रखना है जीरो। प्यारे छात्रों ये सब हम लोग का स्टार्टिंग में है तो प्रूफ करने में प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आप इन चीजों को बार 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 प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने से ही ये चीज आसान होता है। तो चलिए अब जहां t है वहां जीरो रखना है, जहां x है वहां जीरो रखना है, तो माइनस ln a माइनस x के जगह पे जीरो इज इक्वल टू k इंटू t के जगह पे जीरो प्लस c। तो यहां पे आ जाएगा माइनस ln a में से जीरो गया a इज इक्वल टू k से जीरो से गुणा करेंगे जीरो और उसमें c ऐड करेंगे, और इसको दे देंगे समीकरण वन। पुनः समीकरण एक से दोबारा से जब चलेंगे तो सब कुछ वही लिखेंगे, लेकिन c के जगह पे कितना पुट कर देंगे ये वाला पहले माइनस ln a। तो चलिए अब रहा बात कि सर आप ऐसा वैसा क्यों कर रहे हैं, तो देखिए कोई भी चीज को व्यंजक प्राप्त करने के लिए जो हम लोग के पास रूल रेगुलेशन है जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही हम लोग बात को फॉलो करते हैं, यानी कि हम लोग वैसे ही चीजों को करेंगे जो हम लोग टू दी पॉइंट करना पड़ता है। यहाँ c बराबर क्या है माइनस ln a, तो समीकरण एक को वैसे ही पुट कर लेंगे माइनस ln a माइनस x इज इक्वल टू kt प्लस c के जगह पे क्या पुट करेंगे, तो c के जगह पे माइनस ln a, तो यहाँ हो जाएगा माइनस ln a। तो यहां पे अगर कुल मिलाकर अगर बात करें तो माइनस ln a माइनस x इज इक्वल टू kt प्लस माइनस माइनस
ln a। अब इस माइनस ln a को राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये माइनस से क्या होगा प्लस, तो यहां हो जाएगा ln a और ये क्या रहेगा, ये तो माइनस में ही रहेगा, ln a माइनस x बराबर क्या kt। अब यहां पे लगाएंगे हम लोग log का प्रॉपर्टीज। log ये बोलता है कि ln m माइनस ln n रहेगा, यानी कि बोल सकते हैं log m माइनस log n रहता है तो log m बटा n हो जाता है। तो यहां log a माइनस log a माइनस x, तो यहां पे हम लोग जब माइनस में रहता है log तो उसको हम लोग बटा में लिख सकते हैं, तो a बटा a माइनस x इज इक्वल टू के इंटू टी, के इंटू टी। इसलिए प्यारे छात्रों यहाँ पे के हम लिख सकते हैं कि टी यहाँ पे भुना है तो इसको ले जाएंगे भागा में, यानी कि टी जब भुना में रहता है तो भागा में ले जाते हैं, तो वन बाई टी इंटू एल एन ए बटा ए माइनस एक्स। और प्यारे छात्रों ये एल एन है और एल एन को लॉग लिखने के लिए 2.303 से गुना करते हैं तो कुल मिलाकर ये हमें आ गया। हम जो भी मिटा रहे हैं आप वीडियोस को पॉज करके ही नोट करेंगे फिर इधर फिर दोबारा से, यानी कि अभी तक के जो वैल्यू आया है के बराबर यहाँ टी गुना में है तो इसको भागा कर दिए तो 1 बाई टी एल एन ए बटा ए माइनस एक्स। ये रूल होता है कि एल एन ए माइनस एल एन एन तो ये भागा माइनस में रहता है तो उसको हम लोग भागा में कर सकते हैं, ये रूल होता है। चलिए आप आगे k इज इक्वल टू यहाँ एल एन है और एल एन से हम चाहें लॉग लिखने के लिए तो यहाँ पे 2.303 से गुणा करना पड़ता है। जब एल एन को लॉग लिखते हैं उसके जगह पे 2.303 से गुणा करते हैं बटा t, तब हम एल एन को लिख सकते हैं लॉग a बटा a माइनस x। तो प्यारे छात्रों यही है मेरा वो व्यंजक जो प्रथम कोटि का अभिक्रिया का है, प्रथम कोटि के अभिक्रिया का व्यंजक। प्यारे छात्रों आपको ऐसे ही करना होगा अगर आपको आएगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक ज्ञात करें। अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि शून्य कोटि और प्रथम कोटि में कितना अंतर है। शून्य कोटि में तो वहां चूंकि पावर जीरो था इसलिए हम लोग वहां पे ज्यादा फजीहत नहीं करना पड़ा, चूंकि यहाँ पे a माइनस एक्स का पावर वन था इसलिए हम लोग को इंटीग्रेशन और साथ साथ ये सब सारा प्रोसेस करना पड़ा। अब ये सब सारा इसलिए प्रोसेस करना पड़ेगा ताकि ये व्यंजक लाना है, ऐसा फार्मूला होता है ये चीज लाना है तो इतना काम करना पड़ेगा, तो यही कहलाता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक। अगर सवाल आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम कोटि का अभिक्रिया का व्यंजक क्या है तो k बराबर 2.303 बटा t log a बटा a माइनस x। ये 2.303 कहां से आएगा, क्योंकि ln को log लिखने के लिए यहाँ ln है और यहाँ log है log, इसको लिखने के लिए अपने तरफ से 2.303 से गुणा किया जाता है, यही प्रोसेस है। याद रहे अगर याद होगा आपको कि शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया का व्यंजक कितना आया था हमें तो k बराबर x बटा t। तो अभी चलिए अभी हम लोग का एक पार्ट कंप्लीट हुआ है वो ये कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक क्या होता है। तो आपको पता है कि प्रथम कोटि का अभिक्रिया होता है k बराबर 2.303 बटा t log a बटा a माइनस x। तो ए इस तरह का हम लोग को आ गया है अभी तक के प्रथम कोटि का अभिक्रिया का व्यंजक। चलिए अभी हम लोग प्रथम कोटि के अभिक्रिया को ही सीख रहे हैं, हालांकि अभी हम लोग सिर्फ व्यंजक को सीखे हैं। अब हम लोग उसके बाद चलते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए k की इकाई क्या होगा, k के इकाई के लिए अब हम लोग काम करते हैं। तो चलिए अब हम लोग ये जो स्टार पॉइंट था अब यहाँ पे लिखते हैं k की इकाई प्रथम कोटि के लिए क्या होता है, जरा समझते हैं। अब उसके नीचे ये लिखेंगे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए प्राप्त व्यंजक से हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया से जो प्राप्त व्यंजक है उससे चलेंगे। तो क्या प्रथम कोटि की अभिक्रिया है भाई, तो 2.303 बाई टी
इंटू लॉग ए बटा ए माइनस एक्स। जरा आप बताइए, सबका ऐसा ही मात्रक, इकाई निकालना है तो 2.303 क्या है, ये तो कांस्टेंट है ना, इसका कोई इकाई नहीं होगा, नहीं होगा। लॉग है तो लॉग का भी कोई यूनिट नहीं होता है, लेकिन ए है, ए का मतलब क्या पाया छात्रों, सांद्रण। ए का मतलब क्या, सांद्रण। और नीचे भी क्या है, पूरा सांद्रण है, नीचे भी क्या है, सांद्रण। तो ऊपर सांद्रण है और सांद्रण का ऐसा मात्रक हम पहले ही बता चुके हैं कि मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर होता है सांद्रण का, तो सांद्रण की जगह पे लिख दिए। अब नीचे में क्या है, तो टी भी है और सांद्रण भी है, तो समय का ऐसा मात्रक क्या, सेकेंड, इंटू इस सांद्रण का भी तो वही होगा ना। आप बताइए कि ए भी सांद्रण है और ए भी सांद्रण है, तो सांद्रण में से सांद्रण घटेगा तो कितना, आपको लग रहा होगा कि सर जीरो, ऐसा नहीं है, क्योंकि इकाई हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लिया कि सांद्रण है, आप बताइए 4 kg है माइनस 3 kg है, तो 4 में से 3 kg तो रहेगा नहीं यूनिट, या फिर मान लिया 4 kg में से 4 kg अगर घटाना रहे तो जीरो, क्या जीरो, केजी ना, तो यूनिट का हम बात कर रहे हैं। इसलिए प्यारे छात्रों, यहाँ सांद्रण और ये सांद्रण, तो सांद्रण में से सांद्रण गया जीरो नहीं, सांद्रण का ऐसे मात्रक तो रहेगा ना, चाहे वो कुछ भी हो, जीरो क्यों ना हो, लेकिन हम लोग इकाई देख रहे हैं, इकाई का मतलब सिर्फ ऐसा ही मात्रक देख रहे हैं, उसका वैल्यू को नहीं देख रहे हैं। ये सांद्रण है, सांद्रण का ऐसा मात्रक मोल पर लीटर, और नीचे भी तो टोटल सांद्रण है, तो सांद्रण का हो जाएगा मोल पर लीटर, और सबसे सब कट गया, तो नीचे वाला जो समय है ऊपर जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा पर सेकेंड। इसको हम लोग पढ़ते हैं प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड या समय के पावर माइनस एक। कहीं कहीं आपको मिलेगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के की इकाई क्या होती है, तो समय के पावर माइनस सेकेंड भी बोल सकते, माइनस वन भी बोल सकते हैं, या फिर प्रति सेकेंड भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से अभी हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया में चलते हुए दो चीजें निकाल चुके हैं, पहला व्यंजक और दूसरा क्या, तो उसका इकाई। तो याद रहे प्यारे छात्रों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आता है के का यूनिट प्रति सेकेंड, और याद होगा आपको शून्य कोटि के लिए मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड आता है। तो चलिए अब हम लोग एक चीज और बच रहा है, वो प्रथम कोटि का अर्ध आयु। तो अर्ध आयु को हम लोग डिनोट करते हैं कैसे होता है, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चीज को प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो व्यंजक होता है, इसको आप बार बार रिविजन कीजिए बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे बार बार रिविजन कीजिए, बार बार इसको फॉर्मूला को प्रूव करने का कोशिश कीजिए, इतना अच्छा से कर लीजिए कि बिल्कुल याद हो जाए कि किस कब क्या करना है। क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो आपको हार्ड लगता होगा, लेकिन आपको बिल्कुल इसको प्रैक्टिस ही करना होगा, अगर सवाल आता है तो बिल्कुल इतना प्रूफ करना होगा, प्रूफ करके प्रथम कोटि का व्यंजक लाना होगा। अक्सर ये सवाल पूछता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त कीजिए, हम बार बार इन चीजों को बोल रहे हैं, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए इन चीजों को। चलिए हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया में हम लोग का एक पॉइंट और बचा हुआ है, वो प्रथम कोटि के लिए अर्ध आयु। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, उसको कैसे प्रूफ करेंगे, जरा समझते हैं। हम लोग पहले भी पढ़े हैं शून्य कोटि में भी कि जो व्यंजक प्राप्त कर लिया वो मेन हीरो है, क्योंकि उसके बाद अगर के की इकाई अगर ज्ञात करना है या बोले तो अर्ध आयु निकालना है, वो कहां से निकलता है, वो तो व्यंजक से ही ना निकलता है। अभी हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो देखे वो भी व्यंजक से ही प्राप्त हुआ है, के का इकाई भी हम लोग उसी से निकाले हैं। चलिए अर्ध आयु जो निकालते हैं वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया से प्राप्त, प्रथम कोटि के अभिक्रिया से प्राप्त व्यंजक। क्या अभी व्यंजक प्राप्त है प्रथम कोटि से, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी इंटू लॉग ए बटा ए माइनस एक्स। प्यारे छात्रों अब हम एक बात बताते हैं, जैसे शून्य कोटि में अर्ध आयु के लिए हम लोग क्या वैल्यू देखते हैं, अर्ध आयु के लिए जो वैल्यू पुट करते हैं, अर्ध आयु का मतलब होता है टी 1/2, यानी कि अर्ध आयु का मतलब होता है आधा जीवन काल। अगर कोई अभिक्रिया 10 घंटे में पूरी हो रही है तो 5 घंटे में बिल्कुल आधा पूरा होगा, तो उसी प्रकार से अर्ध आयु को हम लोग दिखाते हैं टी 1/2,
और इसका मतलब ये हुआ कि जहां ए है वहां पे हम लोग पुट करते हैं, जहां भी ए है वहां पे सॉरी जहां भी एक्स है वहां ए बाई टू पुट करते हैं, जहां भी एक्स है वहां ए बटा टू पुट करते हैं। हम लोग वहां पे भी देखे थे कि एक्स के जगह पे क्या पुट करना रहता है, ए बाई टू। जब शून्य कोटि में चल रहे थे प्यारे छात्रों पिछले क्लास में, वहां पे अर्ध आयु का फार्मूला हम लोग प्रूफ किए थे ऐसे ही। तो आप यहां पे देखिए के है तो के ही रखेंगे इज इक्वल टू 2.303। नीचे टी है तो टी के जगह पे क्या रखना है, अर्ध आयु ना, तो टी 1/2 इंटू लॉग, इस ए के जगह पे ए रख देंगे बटा इस नीचे वाले ए के जगह पे ए, और इस एक्स के जगह पे ए बटा टू। अब यहां पे हम लोग आगे चलेंगे तो के इज इक्वल टू 2.303 बटा टी इंटू लॉग ए बटा, और ए में से ए बटा टू को घटाएंगे तो प्यारे छात्रों बचेगा क्या, ए बाई टू, और ए से ए कट गया और नीचे वाला टू ऊपर चला गया तो कुल मिलाकर क्या हुआ, तो k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी इंटू लॉग टू। देखिए यहां पे a बाई टू होगा और नीचे वाला टू को ऊपर ले जाएंगे तो a से a जो है कट जाएगा, नीचे वाला टू को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, लॉग टू, और लॉग टू का वैल्यू होता है 0.303, यानी कि k इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग टू का मान आप लिख ही लीजिए, लॉग टू का जो वैल्यू होता है 0.303 होता है। तो यहां पे आप अगर इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो 0.303 बटा टी। अब इसको आपको करना है कैलकुलेशन, तो जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 0.693 लगभग आएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोगों को का प्रथम कोटि का जो अर्ध आयु आया वो क्या आया, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे टी 1/2 लिखना है, 1/2 छूट रहा था क्योंकि अर्ध आयु है ना, तो जहां भी अर्ध आयु लिखते हैं वहां टी 1/2 जरूर लिखते हैं। चलिए तो अभी तक के हम लोग को आया अर्ध आयु का के इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो 0.693 लगभग आएगा। 2.303 को 0.303 से गुना करेंगे तो लगभग कितना आएगा, 0.693, और डिवाइडेड करना है टी 1/2। तो प्यारे छात्रों ये हुआ प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्धकाल। ये अर्धकाल का फॉर्मूला है किसके लिए, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। अगर हमसे सवाल पूछता कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या फार्मूला है अर्धकाल का, तो k बराबर 0.693 अपॉन टी 1/2। ये हमें अर्धकाल का फार्मूला है किसके लिए, तो प्रथम कोटि के लिए। अब जरा हम लोग सबको एक जगह कर लेते हैं, तो हम लोगों को फार्मूला कितना मिला जरा उसको याद रखिएगा, और उस कैसे आता है कैसे प्रूफ होता है, तो इन चीजों को आप बिल्कुल बेसिकली अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से आप नोट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग फार्मूला को इकट्ठा करते हैं, फार्मूला को सबसे पहले हम लोग काम करते हैं शून्य कोटि का। तो शून्य कोटि में अगर हमसे चलेंगे, एक जगह हम बता रहे हैं शून्य कोटि का अगर बात किया जाए तो व्यंजक क्या आया था भाई, तो शून्य कोटि का जो व्यंजक आया था k बराबर एक्स बाई टी। अब शून्य कोटि का इकाई क्या आया था, k का इकाई आया था मोल पर लीटर पर सेकंड, और शून्य कोटि के अर्धकाल का वैल्यू क्या आया था, तो अर्धकाल का जो वैल्यू आया था के इज इक्वल टू ए बटा टू टी 1/2, के इज इक्वल टू ए बटा टू टी 1/2, ए हम लोग को आया था ए बाई टू। अच्छा फिर एक मिनट, शून्य कोटि में तो यही आया था ना, कंफ्यूजन, एक मिनट जस्ट वेट। शून्य कोटि के लिए हम लोगों को प्रूफ किए थे कि क्या आया था, टी 1/2, हाँ बिल्कुल टी 1/2 इज इक्वल टू, हाँ बिल्कुल एक्स बाई टी, तो ठीक है तो ए बटा टू टी 1/2।
अच्छा, अब जब हम प्रथम कोटि का बात करते हैं, एक तरफ प्रथम कोटि, तो अभी अभी हम लोग प्रथम कोटि में प्रूफ किए कि व्यंजक क्या होगा भाई इसका, तो इसका व्यंजक होता है k इज इक्वल टू 2.303 बटा टी लॉग a बटा a माइनस एक्स। अब इसका k का इकाई क्या होता है, प्रथम कोटि के लिए k का इकाई क्या होता है, तो k का इकाई होता है सिर्फ प्रति सेकंड, याद रखिएगा प्रथम कोटि के लिए। अर्धकाल का वैल्यू क्या होता है, अर्धकाल का वैल्यू इसके लिए तो k इज इक्वल टू 0.693 बटा टी 1/2, ये होता है अर्धकाल का समीकरण, अर्धकाल का फार्मूला, k का इकाई का फार्मूला, व्यंजक का फार्मूला। तो कुल मिलाकर इन चीजों को हम लोग प्रूव भी किए हैं। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि इस पे न्यूमेरिकल कैसे आता है, न्यूमेरिकल को हम लोग को कैसे बनाना है। फिलहाल एक और चीज पढ़ेंगे जो कि इकाई के बारे में, कि इकाई आखिर शॉर्ट ट्रिक इसके लिए है, तो हम उसको अगले दिन बताएंगे। कि अगर मान लिया कि कोई 5 कोटि का रहेगा, कोई 4 कोटि का रहेगा, तो उसका हम लोग इकाई का शॉर्ट ट्रिक क्या है। इकाई अगर मान लिया जाए कि भूल भी जाए, तो के का इकाई निकालने के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक देने वाले हैं, वो नेक्स्ट डे। यानी कि अगर मान लिया कि 0 कोटि और प्रथम कोटि का तो आप याद रख लेंगे, लेकिन अगर हमें पूछ दें कि अगर 3 कोटि का अभिक्रिया है, अभिक्रिया का कोटि 3 है, उसका आप के का इकाई बताइए, तब आप फंस जाएंगे। तो इन चीजों को हम अगले दिन डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग पढ़े 0 कोटि का टोटल उसके पिछले दिन, आज हम लोग पढ़े प्रथम कोटि का। तो अब इस कोटि वाला जो व्यंजक है आपको हार्ड लग सकता है, लेकिन एक ही तरीका है, आप इन चीजों को बार बार प्रयास कीजिए, बार बार लिखिए, बार बार इसको प्रूफ कीजिए, वो चीजें आसान हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। धन्यवाद।